भानु लाला राम ते आगे है रहो है जाए माय कबू सीधे न मिले, एक नीचे गुजारा हुआ एक ऊपर गुजारा हुआ। देखिए महाराज कंस का शासन चल रहा है इस समय, तो आप सब लोग मुझसे मिले रहे तभी फायदा में रहेंगे। आ गया कुछ बोलोगा? महाराज कंस का सख्त आदेश है। क्या आदेश है? आदेश ये है कि पूरी मथुरा नगरी में कोई भजन नहीं करेगा। भजन नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। पूजा नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा। घर घर में मेरे नाम की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मैं मथुरा का राजा नहीं, मथुरा का भगवान हूँ। भगवान समझ गए? समझ गए, समझ गए, समझ गए। और यदि कोई साधु महात्मा मिल जाए, साधु महात्मा कहते हैं पागल, इतने बड़े माधु साधवा है, ओ बेवकूफ, हम संत भगवान कहते हैं उन्हें। तो तुम्हारे जो भगवान है ना, हाँ, वो मथुरा में नजर नहीं आवे। तुम जैसा चाहोगे तैसा ही होगा। महाराज का सख्त आदेश है, मैं नहीं, ऊपर से आदेश आया है। और एक बात मां सब आज तक समझ में नहीं आई, आदेश उपत्ति काय को आवत है। है? है? अब कोई परेशानी बन जाए अब फिलहाल में, तब सबके में उपत्ति आदेश आया है। जल्दी एसडीएम डीएम कोतवाल साहब दरोगा जी को सिपाही को सब उपत्ति आदेश आवो। चलो 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 चलो, हमें आज तक उपत्ति आदेश ही आवत नहीं। देखो कितने देखो साहब आदेश के तब तो आवा, हम जैसे अधिकारी की ज्यादा कट्टी मटते हैं। हे 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 हे, तो कट्टी मट रही है साहब शासन में। सीधो क्यों ना बोलते? अरे तू मेरी बात समझ में नहीं आवत, सीधो कैसे बोलूं मैं? सीधो सीधो बोल, सीधो ही तो बोल रहा हूँ, कहा मैं तुतलाए रहा हूँ, कहा कलाए रहा हूँ। जाके मट्टी कट रही है। हाँ मट्टी कट रही है हमारी, ऐ समझ ले। महाराज ने ये कहा है कि हमारी बहन देवकी के 6 बच्चों का जन्म हो चुका है, 6 उमार दिए मैंने, सातवां खंडित हो गया, अब आठवें पुत्र की बारी है और आठवां मेरा काल है। ये समझ लो पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मच रहा है कि महाराज कंस का काल आने वाला है। तो महाराज ने आदेश दिया है, जहाँ 2 पहरेदार हैं वहाँ 4 लगवा दो, जहाँ 4 है वहाँ 8 लगवा दो, जहाँ 8 है वहाँ 18 लगवाओ सीधे सीधे। ठीक है भैया, बिल्कुल। और ये कहा है जिस किसी की तरफ से मेरा काल निकल के चला गया उसे 3 साल की सजा, 6 महीना की फांसी। बेवकूफ, फांसी 2 मिनट की बहुत होती है, ज्यादा है भी 6 महीना ही बताओ, 3 महीना ही कर दूंगा। 2 मिनट की बहुत होती है। सही बताओ तुम्हें, तुम्हारे के समय हमें कौन सी कबूल आ गई है, कैसी होती है? रजनेश अनुभव करवा के दिखवा, ना ना साहब देखिए, अब तक सैकड़ों राजा महाराजा मर गए, मंत्री आज तक नहीं मरे। बात झूठ हो तो बताओ। तो रामलीला होते काम में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सब लेकर बसते हैं, मंत्री तो तैयार मिलते हो, महाराज और लेके आ रहा हूँ, वो छोड़ दे। तो देखिए महाराज का आदेश है, आदेश जो दिया है मैंने सभी प्रजा वालों को बता दिया है। सभी महाराज कंस के शासन में जो महाराज, क्या बात है, जो महाराज कह रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। अब मैं दरबार के लिए चलता हूँ। दरबार को चलने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, बहुत ही आनंद की बात है। वो देखिए महाराज
कंस के शासन में कोई भगवान का नाम नहीं लेता है डर की वजह से, और डर सांची है। अगर महाराज ने किसी से, महाराज के सामने किसी ने ये कह दिया महाराज आपके शासन में हम बहुत परेशान हैं, तो उसे उसी वक्त सूली पर चढ़वा देता है। पूरी प्रजा में हाहाकार मच रहा है, कोई बोलता नहीं है उसके सामने, और शाम में हूँ डर के मारे दो चार नाम रास्ते में ले लेते, और वहां जाने के बाद तो कंस की हाँ में हाँ है। फिर कंस अगर कह रहा है कि ये बबूल है और है शीशम, तो बबूल ही कहने में फायदा है। हाँ सुनो, हाँ तो सदा भवानी दार में भुसमे गड़े गणेश, ये तीन देव रसा बटे तो ब्रह्मा विष्णु। का कह रहे हो तीन देव रसा बटे, तीन देव रक्षा करें यार सुमरन, तो कम से कम तो सीधो सीधो तो बोल रक्षा करें। हाँ दुनिया हाथ धोए के पीछे पत्तो है, जे मेरे नाय धोए के पीछे पड़े हुआ है। हर बात में ऐसे ना है ऐसे, तो सीधो बोलना है। तो सदा भवानी भैंसिया कांधे रखो लठा, ये तीन देव रक्षा करे तो दूध दही और ये दूध दही और मठाई आलू के भरे पराठे, काशी फल को रहे तो मिल जाए तो फिर काहे के घाटे। माँ साहब हेंगे चिंता मत करें, एक दिन में चार बार खातो है और चार बजे ना मिले जाए रजरेश, अगर चार बजे ना मिले फिर पूछे आते। भैया सही बताइयो तुम्हें समझदार लग रहे हो सेकंड में। एक बात बताओ, खाने के पीछे तो हम डोल रहे हैं हम, और ना शोभनों बीच तो हमारे घर है वो एक कटिया को, और मत हो काउ के टाण बजाए के पर रहे हो, तो पूरी रात आराम और स्वभाव है, और सवेरे चाय दे के जाएगो भाई। ये थी गयो गैया ना उस जा खेत में, और गैया बार इंतजाम मैंने कर लो ना, एक रुक का वाली आ रहा हो थोड़ी देर में, अगर काउ ज्यादा परेशानी हो माँ साहब एक कौन पर ले जाए ढाड़ू कर लियो तुम। अगले 15 दिन तक गैया ही चलते गए, अच्छो खासो आदमी ना जाए वो, खाली रात में बैटरी मार के दिखा दी अभी आ रहा थोड़ी देर में। तो दूता के पूता मरे मरे बाजरा ढोए, इन रणुवन की अम्मा मरे तो रोटी को दुख तो एक काम मिल जाए यार, हैं देख रहे आनंद नहीं आता है, इन लोगों ने मेरे घर में करवा हुआ है। मतलब ये है कि पहले मेरी गिनती नहीं में आई करती, आज से पहले मेरी गिनती नहीं में आकती, और ऐसे ताने सुन सुन के शाम नेता जलवा ले गए अब के वहां वहां, समझ रहे हो, ऐसी मेहरुआ लिपा के लेके आए तुम झूठ मानोगे। लड़ाई तो थी बिल्कुल हमारे घर में होती ना है जी, चाहे वो पूरे दिन गारी दे हमें, और आज तक कब उन्होंने कही कि मैं अपने काम को जा रही हूँ, और होतना ही कोई घर के यहाँ की तो वो तो सीधी कहते हैं कि बुलाऊं भतीजे को तो गुट्टी के मारे प्राण लगवा दूंगी के साथ, मैं कह रही हूँ तैसे करो साहब, हमारी तो बिहार की है पूरे दिन गारी देते, समझ में आवन ना है क्या कह रही है। जब समझ में ही ना आवे तो लड़ेंगे ही काहे को बात है, अब गाँव में जानो उन्होंने कहते हैं कि दूर को मामला है। अरे अरे दरा, अरे दरा, ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ, अरे हो का गया इधर आ, ओए दीवान तू बाकी बदनामी क्यों करतो, जा बता पहले हमें।
ऐसी बात ना है, सो तो समझते है वो सब बातें। एक दिन माशा काम में प्रोग्राम चल रहा हमारे में, पूछे को महीना हो ठंड पर रही जोर की, हमें जी मालूम नहीं जी आए बैठी है यहाँ, और जनार में कैसा आए गई हमारी दो चार बातें, बाकी तारीफ हम कह दे भैया गुस्सा खाए के वो चली आई बोते पहले, और ठंड ज्यादा पड़ रही तो 12 बजे प्रोग्राम ब्राह्म है गो, सब बोले चलो ठंड ज्यादा है। अब हमें जे न मालूम जो हमसे पहले ही आए गई, अगर भीतर के बार बंद कर ले पूरी रात गले आ रहे पर उन्होंने के बाद न बोली। अब मुहासे के दिन वो आधी रात में किराए घर जाओ, अब जी लड़ाई करवाता घर जाएगी। बाके दो चार लक्षणों का जो खराब है देखो मैं बताऊं, बात जो बात होते हैं वो कही जाते हैं। बक कम दिमाग है ने, अब कम दिमाग का मतलब तुम समझो तो कम दिमाग का पंच दिमाग का ज्यादा चालाक बनते हैं। अरे सीधी सीधी बताओ तो वो पुवरिया है माशा माशा पुवरिया है, पुवरिया है हमारे घर में है काशो। अब तुम जानते ही हो पुवरिया के चाल चलन कैसे होता है। लल्ला तू ज्यादा खुश मत हो, दुआ चाह तुम्हारे काम में हो रेट ऐसी बात ना है। यहाँ कोई नहीं है, सब ठीक है। हमारे माई देख कैसे रहेंगे तमाशा कैसे है। बच्चों को कर रहा है तो बताई ना, छोटे छोटे बालकन ने बहुत मात तो बड्डे को पीटन ना हूं मैं पीटी कह दे लिया। अरे बाघर के फूट गए भाग, कौन से के बाघर के फूट गए भाग, अरे नारे आई घर के फूट गए भाग के नारे आई फुवरिया, घर के फूट गए भाग पर सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे, अरे पर सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे, मतलब संध्या के 4 बजे ही सो जाते और दिया आज तक बुझाओ ना, और दस दूसरे दिन 11 बजे जगेगी जब हम खेत में को लेकर जाके हल लेंगे, और जगन के बाद सिगरी देवरानी जी ठानन में घूम के आवेगी। अरे पर सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे, अरे पर सवेरी उठे अबेरी घर घर फेरी दे, अरे बिना बात लड़कन को मार हम उनको गाली दे के नारे आई कच्चे रोट उपला जैसे मोटे पतरे रहा, अरे कच्चे रोट उपला जैसे मोटे पतरे रहा, उपला यानी कंटा से कौन से के कौन ना सके, अरे कच्चे रोट उपला जैसे मोटे पतरे रहा। अरे टपकत जावे लार पटाप पकड़ के दी मार, तू नारे आई फू
दम भरे हो खरंजा बैठा देंगे आई सारी में आई आई गई ना मान जाती मान ना रही है पे काफा तो कोई और ही पिटा हो यहाँ रजनी सब है बने बराबर अगर घर में कोई पूजा पाठ हो दिनों आ जाए त्योहार को तो बाद में तो समझ लो रोटी मिलती है ना है जी साझे कोई भले भले और तुम्हारे बीच में कह दिएगा रोटी ना करिए खा तू पहले खा ले चाहे ना कर देरी फिर भी पूजा पत्रा का चूहे है जाए तो साहब पूजा बाद दिनों और हमारी जाने को आ जाते हैं और पूजा होते कैसे है घर में जी मालूम है अर्पिड़ी डारे आंगन में बैठी लोटा धरो अगर आंगन में बैठी लोटा धरो अगर अरे पीड़ीदार आंगन में बैठी लोटा धरे अरे हाथ जोर मैया से बोले कब मरे भारत भारत तारे आई फुवरिया अभी कहाँ आए हैं अब।